वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और चूंकि रोहिणी नक्षत्र का आज रात्रि में अष्टमी के साथ योग है, इसलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसको जयंती महोत्सव। तो ऐसे कृष्ण जन्म जयंती महोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवान के अनुग्रह की अनुभूति का दिवस है। भगवान निर्गुण निराकार हों, भगवान आत्मा के रूप में रहें, ज्ञान ध्यान के रूप में रहें, मंदिर में रहें, महत्वपूर्ण है, तो कोई संदेह नहीं। लेकिन जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आते हैं, जब तक हमारे इंद्रिय समूह में गोकुल में नहीं पधारते हैं, तब तक हमारे अशेष दुखों का नाश नहीं होता है। भगवान अवतार रूप में निर्गु से सगुण बनते हैं, निराकार से साकार बनते हैं, अंतरंग से बहिरंग बनते हैं। हृदय में स्थित भगवान गोकुल में आते हैं, ये हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान का अवतरण केवल भक्तों के लिए है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का गीता में प्रतिज्ञा वाक्य है। वो यथा भगवान जीवों के कष्ट के निवारण के लिए और जीवों को अपनी ओर अभिमुख करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने से युक्त करने के लिए अवतरण करते हैं। ये भगवान का वात्सल्य है। दुख की निवृत्ति हो और परमानंद की अनुभूति हो, ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। भगवान इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए निर्गुण निराकार होते हुए भी भौतिक रूप में प्रकट होते हैं। भगवान जहां पर जिस प्रकार का दुख है उसके निवारण के लिए वही सत्ता स्वयं स्वीकार करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे सारे दुख तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं, दैहिक या
भौतिक दैविक देवताओं की ओर से या दिव्य योनियों की ओर से, और तीसरा आध्यात्मिक दुख होता है। भगवान इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए भौतिक रूप से भी अवतरण करते हैं, भगवान दैविक रूप से भी अवतरण करते हैं, और उन दुखों की निवृत्ति करते हैं। भगवान का इतने रूप में अवतरण का तात्पर्य क्या है? जैसे स्वप्न में यदि प्यास लगी हो तो जागृत का जल वहां काम नहीं देगा। जो सत्ता जीव की उस समय है, स्वाप्निक अवस्था है, तो उस समय स्वाप्निक अवस्था का ही जल चाहिए, और अगर जागृत अवस्था में स्वप्न का जल काम नहीं देगा। इसीलिए जीवों के भौतिक कष्ट निवारण के लिए भगवान स्थूल रूप में प्रकट होते हैं, दैविक वृत्तियों को नष्ट करने के लिए देवत्व का भी आधान करते हैं, और आध्यात्मिक कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रवण और कथन के रूप में अवतरण धारण करते हैं। भगवान की लीलाएं श्रवण और कथन करने के लिए, चिंतन करने, तो भगवान श्रवण और वैसे भी हम देखें चाहे भौतिक कष्ट हो चाहे दैविक कष्ट हो, इनकी अनुभूति तो आध्यात्मिक ही होती है। जब तक अंतःकरण उसकी अनुभूति नहीं करता है तब तक वो कष्ट कष्ट के रूप में प्रतिभान नहीं होता है। जैसे ऑपरेशन के समय जब आदमी को बेहोश कर दिया जाता है, अंतःकरण प्रसुप्त कर दिया जाता है, तो शरीर में कितनी भी काटा पीटी हो कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। तो ये कष्ट की अनुभूति शारीरिक हो चाहे बाह्य हो और चाहे अभ्यंतर हो, दैविक हो भौतिक हो, सबके सब अनुभूतियां अंतरंग वृत्तियों के रूप में होती हैं। घटाकाराकारिक वृत्ति हो, मठाकाराकारिक वृत्ति हो, तो जितने भी हैं ये सब अंतःकरण के आकार के धारण करने पे ही होती है। तो इसलिए भगवान की अपनी लीलाएं इतनी मधुर करते हैं, अपना स्वरूप इतना मधुर बनाते हैं, अपने गुण गुणों का प्रकाश इस प्रकार से करते हैं कि उनकी इन लीलाओं के कथन का भी आनंद है, उनकी इन लीलाओं के श्रवण का भी आनंद है, और उनकी इन लीलाओं के चिंतन का भी आनंद है। ये भगवान का आध्यात्मिक क्लेशों के निवारण का माध्यम है। भगवान का प्राकट्य जब भी होगा अंतःकरण में ही होगा, अनुभूति पहले वृत्ति अंतःकरण में ही होगी। इसीलिए भगवान मथुरा में प्रकट हुए, भगवान जिस समय अवतरण का समय आया है, भगवान के जन्म का समय आया है, उसमें शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने सबने स्तुति की है। हमारे संत कहते हैं कि ये सर्वव्यापक परमात्मा वसुदेव जी के मन में सबसे पहले प्रकट हुए, अंतःकरण की वृत्ति के रूप में, उनके अनुग्रह के रूप में, और उन्होंने ही
अप्रिय वृत्ति भगवती देवकी में प्रतिष्ठापित की है। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, जैसे एक गुरु से शिष्य में ज्ञान उतरता अवतरित होता है, उसी तरह से वसुदेव जी के मन से अंतःकरण से देवकी के भगवती देवकी के अंतःकरण में पधारी और फिर वहां से गर्भ में आए। कई लोगों को भगवान के गर्भवास के विषय में बड़ा संकोच लगता है, कहो तो भगवान गर्भवास करते हैं। अरे भैया, जो सर्वत्र विद्यमान है वो गर्भ में नहीं रहेगा क्या? गर्भ में भगवान आए जरूर आए। अरे चलो, हम लोगों को भले भ्रांति हो, ब्रह्मा शंकर ये सब देवता तो दिव्य लोग हैं, भगवान के गर्भस्थ होने के कारण, गर्भगुहा में निवास करने का देवकी का स्वरूप भी बदल गया। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि अगर अंदर महल के अंदर कमरे के अंदर दीपक जल रहे हों तो भले खिड़कियां बंद हो लेकिन झिल्लियों के माध्यम से प्रकाश बाहर अनुभूत होता ही। कंस भी देवकी के उस स्वरूप को देख करके कहता, हाँ अब अष्टम वैरी मम आया, और अब देवकी जितनी सुंदर लग रही है उतनी पहले कभी नहीं लगी। देवकी का सौंदर्य बदल गया। क्या बात है, भगवान का अंतःकरण में प्राकट्य हो और बाह्य, वो कहते ना कि भांग खाई हुई होए तो आंखों से पता चल जाता चाहे कोई कितना छिपाए। तो अगर गर्भ में भगवान नहीं होते तो सबके सब देवता वहां स्तुति करने, गर्भ स्तुति क्यों हुई है? गर्भ स्तुति हुई इसलिए कि भगवान गर्भ में है और इससे भगवान की महिमा में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आती है, इसको हम लोग ध्यान कर लें। तो भगवान गर्भ में आए और फिर वो हम लोग सब अन्य शेष कथाएं हम लोग जानते हैं, किस प्रकार भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत अलौकिक सौंदर्य है। तो वसुदेव जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की है। अद्भुत चतुस्सूत्री अगर भागवत की जिन्होंने पढ़ी होगी उस वही आनंद से वसुदेव जी की स्तुति को सुन के आता है। देव की मैया का प्रेम जरूर भगवत रूप को देखा है, लेकिन तो भी वात्सल्यमय प्रेम, उनकी स्तुति भी बड़ी अद्भुत है। इतना अद्भुत, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। हाँ आए तो हो पुत्र बन, लेकिन पुत्र तो नहीं दिखाई पड़ रहे, तो बाप बने हो, चार भुजा के रूप में हो। हम बच्चों को खिलौना देते तो अपने आप खिलौना लेके प्रकट हो गए, कहे हमारे लाल हम देंगे तुमको खिलौना, तो भगवान का लिए छोटे हो जाते, छोटे एकदम छोटे हो गए। अब ठीक है, ठीक तो हो गया, लेकिन ये सब कपड़े उपड़े उतारो, एकदम प्रातिपदिक अवस्था में आ जाओ। भगवान कहते देवी से आप खुश, कह रहे आप तो खुश तो हो, लेकिन हमारे बालक पैदा होते हंसते नहीं बतलाते रोते हैं। क्या मैं रोऊंगा तो सब बाहर कर, आप ऐसा रुदन करो कि बाहर न जाए। तो भगवान फिर बालक के रूप में हुए और हम लोग सब जानते हैं कि कैसे भगवान ने प्रेरणा दी नंद बाबा को कि तुम मुझे गोकुल पहुंचा दो, मैं बाहर कैसे जाऊं, तुम चिंता मत करो। जिसकी बुद्धि में भगवान, माथे में भगवान आ जाते हैं उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। बुद्धि का ही खेल है सारे बंधन का। भगवान को सूट में लेके जैसे नंद बाबा चले हैं, शेषनाग दौड़े दौड़े आए, वर्षा हो रही है। अब देखो ये भागवत की भाषा समाधि की भाषा है,
भगवान के प्रकट होते समय नौ प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है। धरती की शुद्धि, जल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि, नक्षत्रों की, नौ प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है। आकाश में तारे छटक रहे हैं, नदियां निर्मल हो गई हैं, जलाशय निर्मल हो गए हैं, अभी एक मिनट पहले वर्णन किया है, और अब जल रहे हैं तो गड़गड़ गड़गड़ बादल गरज रहे हैं। उसका कारण था कि वो पहरेदार जो है वो बाहर सो रहे थे, तो बाहर छोटी छोटी चीन आई तो सबके सब अंदर घुस गए, तो सड़क एकदम क्लीन। तो भगवान को लेके चले। अब देखो इतनी देर में लीला, यमुना जी में बाढ़ हो रही है, ऊपर से वर्षा हो रही है, कहाँ गए नक्षत्र वक्षत्र थोड़ी देर में भगवान को लिए। तो शेषनाग आ गए भैया की सेवा के लिए। हूँ तो बड़ा भाई बन के रहूंगा तो सिर के तो छत्र लगा करके हम लोग जानते कैसे लेके आए, और भगवान ने वचन दिया इसलिए वसुदेव जी बिना भय भी हुए यमुना जी में घुस गए। जल ऊपर बढ़ने लग गया है, बढ़ने लग गया है। यमुना जी खुश हो रही हैं, मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मैं इनके चरण स्पर्श करो, वो अपने आनंद के लिए करे और वसुदेव जी इनकी सुरक्षा के लिए चिंतित। जब ज्यादा तो कहते अरे भैया कोई ले लो हमारे लाला को, तो ये भागवत का वर्णन तो नहीं है लेकिन हमारे ब्रज का है, तो वहीं चला रहे भैया कोई ले, मैं डूब जाऊं तो डूब जाऊं, मेरे लाला है बचा ले, कोई ले कोई ले, तो यही हमारे उस पार कोयला गांव है, ये सब लीला है। तो भगवान ने कहा रे हमारे बाबा पर, भगवान ने अपनी टांगे नीचे कर दी, चरण कमल नीचे किए टांगे, हम लोग ब्रजवासी ऐसे चरण नीचे के यमुना जन चर स्पर्श किया, तुरंत तो घुटने घुटने भरो के बस जोड़ का वाह 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 ले जा करके पहुंचा दिया नंद बाबा के घर में। यशोदा जी की विश्राम कर रही हैं, वहाँ योग माया प्रकट हुई है, योग माया को उठा लिया है और लाला को वहाँ पढ़ा दिया है। आ क्या है कि श्री बार बार देखते सुनते अब वो वर्णन तो वाणी नहीं कर सकती है। तो भगवान नंद बाबा के घर पहुंच गए, यशोदा मैया की शयन कक्ष में उनकी आसन के ऊपर बगल में लेट गए, और नंद बाबा जब वसुदेव जी माया को लेके गए हैं जेल के अंदर, तो पुनः फाटक बंद हो गए, फिर हथकड़ी बेड़ी सब लग गई है, सब हम लोग कथा जानते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जब भगवान को लेके जाओगे, भगवान को माथे पर रखो, सारे बंधन टूट जाएंगे, और जब माया के चक्कर में पड़ोगे तो फिर सारे बंधन आ जाएंगे, 84 के बंधन में ही आ जाएंगे। तो आज तो भगवान इस तरह से प्रकट हुए हैं, श्री नंद बाबा के घर पहुंच गए हैं, अभी उनको विश्राम करने दो, नंद उत्सव अपने लोग कल मनाएंगे। जय श्री कृष्ण।